हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ DIY प्लांटर आइडियाज़ शेयर किए थे, जिस वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखिए। तो आज के वीडियो में हम जो DIY बनाने वाले हैं, जो बहुत ही ईजी एंड क्विक DIY है और रिसेंट ही बहुत ट्रेंड में भी था, तो मैंने सोचा चलो इसे एक ट्राई देते हैं। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं DIY मिरर ट्रे। तो इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बट मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मैं उन्हीं को यहाँ पर यूज़ करके DIY ट्रे को यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने एक ब्रोकन मिरर को लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पर इसे मोटे कपड़े में किसी में आप रख कर और ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको आप ब्रेक कर सकते हैं और छोटे छोटे मोज़ाइक, आपके मिरर मोज़ाइक टाइल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ रेडी योर टेक्सचर पेस्ट, जिसके लिए आप वॉल पुट्टी या वाइट सीमेंट यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और एक रनिंग कंसिस्टेंसी का पेस्ट रेडी कर लीजिए। देन उसके बाद आपको रेडी करना है मोल्ड। तो यहाँ पर आप किसी भी शेप और साइज का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बॉक्स को लिया है एज अ मोल्ड। आप चाहें तो आप किसी किचन की आप प्लेट को यूज़ कर सकते हैं, थाली जिसके एजेस होते हैं, और जितना भी थिक आपको अपनी प्लेट को रखना है उतना ही आप अपने इस टेक्सचर पेस्ट को ऊंचा इस तरह से फिल कर सकते हैं और अच्छी तरह से टैप टैप कीजिए सो दैट कि सारे बबल्स जो हैं सीमेंट के अंदर से रिमूव हो सकें। और उसके बाद हमें अपने इस मिरर को प्लेस करना है और हैंडल्स के लिए मैंने यहाँ पर अपने ओल्ड मेटल बैंगल्स को यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने पुराने किसी हैंडल्स जो कि कैबिनेट्स वगैरह के ऐसे ही हमारे घर में अगर वेस्ट रखे हुए हों तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ मेरी तरह आप पुरानी बैंगल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बाकी के रिमेनिंग बॉर्डर पार्ट में मैंने यहाँ पर जो मिरर मोज़ाइक टाइल्स हमने रेडी किए थे उन्हें यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से मिरर्स एक्स्ट्रा नहीं है या आप ऐसा नहीं रखना चाहते हैं उसका लुक, तो आप यहाँ पर कोई भी और एम्बेलिशमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बीड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सी शेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देंगे वो भी। तो बस इस तरह से हमारा ये मिरर पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसको आपको अच्छे से ड्राई होने देना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही ये ट्रे हमारा अच्छे से डीमोल्ड हो पाएगा और हमें इसका अच्छा आउटपुट मिल सकेगा। तो आफ्टर ड्राइंग इट इसको हमें करना है डीमोल्ड। तो मैंने यहाँ इसको पूरी रात सूखने के लिए रखा है, दिन में भी ये सनलाइट में था तो अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। तो आफ्टर ड्राइंग लेट्स डीमोल्ड इट। तो डीमोल्डिंग करने से पहले आप देखिए, ये देखिए इसने ट्रे ने हमारी इस तरह से बॉक्स को छोड़ दिया है एंड देन आपको बस इस तरह से टर्न करना है अपने मोल्ड को और बहुत ही जेंटली इसको डीमोल्ड कर देना है। तो लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, इतना स्मूथ फिनिश यहाँ पर मुझे मिला है और हमारा DIY मिरर ट्रे इज ऑलमोस्ट रेडी। देन उसके बाद ये जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है सीमेंट का उसको हम यहाँ इस तरह से ब्रश से रिमूव कर देंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक्रिलिक कलर से इसे पेंट भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आर ब्यूटीफुल एंड वेरी क्विक DIY मिरर ट्रे इज रेडी। तो कैसा लगा आइडिया? था ना इजी एंड क्विक DIY? अगर आइडिया पसंद आया हो तो इसको ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।